सिंह साहब की गलती का फायदा उठा के हमने शादी रुकवा दी। और क्या तुम्हारी मौसी और उसकी बच्ची को हम यहाँ ले आए? ये वादा लिया उनसे कि अगर वो सिंह साहब को एक्सपोज करने में हमारी मदद करेंगे तो हम उन्हें यहाँ लाएंगे, उनकी पूरी रक्षा हम करेंगे। बस हम जानते हैं ये आसान नहीं, हम जानते हैं, लेकिन उस बेचारी बच्ची की गलती क्या है? हाँ, अपने धोखेबाज बाप का सच बाहर लाने के अगर हमें खून के घूंट भी पीने पड़े हम पिएंगे, लेकिन सच बाहर लाए बिना हम शांति से नहीं बैठेंगे। ये तो बस शुरुआत हमने पहल की है। तुमने देखा नहीं कैसे आज मुंह छिपाए कैसे जमीन पे बैठ गए, और जब बच्ची ने आवाज दी थर थर कांप रहे थे, पैरों तो जमीन खिसक गई उनकी। आज हमने उन्हें पत्थर के चने चबवाए हैं, लोहे के चने ना चबवा दिए ना हमारा नाम भी रौनक सिंह नहीं। मेरी भी उम्मीद जाग गई है जया मासी को इस तरह ठीक ठाक देखकर। मुझे तो लगा था कि पता नहीं नानी ने उनके साथ क्या क्या किया होगा। जब वो गायब हुई थी ना किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, क्यों गई है। पर आपको नहीं लगता कि इस दरिंदे को हराना आसान नहीं है? जानते हैं आसान नहीं होगा, ये साला हमारी प्रॉब्लम है, निजी प्रॉब्लम है, पर्सनल, कि हम हार नहीं सकते। बस कोशिश और हिम्मत ये कभी नहीं छोड़ना। हर इसमें मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। अब बस सरजी के गलत इरादों को एक एक करके खत्म करना है। मजबूर लड़कियों को अपनी पैर के नीचे दबा कर रखते हैं ना, उनको घुटनों पर लाना है। और इसमें हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। आपको यहाँ देखकर मैं घर के बाद बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ पूछना। मसूफ, तुझे देखे भी तो जमाना हो गया, देखना कितनी बड़ी हो गई है। बचपन के बाद जब आज सुबह तुझे देखा ना तो मेरा दिल जानता है मैं खुद को कैसे रोक पाई हूँ। ऐसे लग रहा था कि जन्मों से प्यासी हूँ और पानी मेरे पास है लेकिन मैं पी नहीं पा रही। मासी, ये सब कुछ कब और कैसे? सरजी, शालू, बहुत लंबी कहानी है बसु, और मेरी औकात बहुत छोटी है।
बस ये समझ ले कि कोटे से जाने के बाद सर जी की दूसरी औरत बनने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मेरी बच्ची शालू वो शैतान की नाजायज औलाद है। मुझे माफ कर दे बस, 14 साल हो गए मैं यूं ही अचानक तेरी जिंदगी से चली गई। और देख आज तेरी खुशहाल जिंदगी में मुझे वापस आना पड़ा। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, खुशी की बात यह है कि अब आप मेरे सामने हो, मेरे साथ हो। सब कुछ रौनक जी की वजह से। रौनक कैसा है, तुझसे प्यार करता है ना? सुजैन मासी ने भी यही सवाल किया था। सुजैन दीदी आई थी, कब मिली थी लोन से? उनको जो कहा था मैं वही आपको कहूंगी। रौनक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ढाल बन के खड़े हैं मेरे सामने अपने ही पिता के खिलाफ। आपको पता है मासी, रौनक जी की वजह से मुझे इतनी बड़ी बात पता चली कि मम्मा मुझे छोड़कर गई नहीं थी। सब कुछ सर जी ने करवाया था, उनको जेल भिजवा दिया था। जैसे मुझे भेजने की कोशिश कर रहे थे वैसे ही। और मासी, हम आपको भी बहुत याद करते थे मासी। उसे मुझे वहां से दूर सुजैन और लोमी का मुंह बंद कराने के लिए लाया गया था। मुझे सब पता था, बस मैं आरती दीदी की सलामती चाहती थी। सच्चाई मुझे पता थी, पता नहीं मैं कैसे अपने दिल में दबा के बैठी थी। और मैंने तुझे कुछ नहीं बताया, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरी दोषी हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। नहीं मासी, आप दोषी नहीं हो। आपकी, सुजैन मासी की, मम्मा की, मेरी, हम सबकी किस्मत का एक ही रावण है। सच, और जिस घर में ये रावण खड़ा है ना, उसी घर में एक राम भी है। रौनक जी, रौनक जी ने मुझसे वादा किया है मासी कि वो मम्मा को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और मुझे पक्का पता है, मुझे विश्वास है रौनक जी पर कि वो मुझे मेरी मम्मा से जरूर मिलवाएंगे। मम्मा के बिना मैं बहुत अधूरी हूं मासी। सांसें चल रही है पर आधा ही जी पाती हूँ। बहुत कुछ कहना है उनसे, बहुत सारी बातें करनी है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे जी रही हूँ मैं मम्मा के बिना, कैसे काट रही हूँ अपना जीवन। मुस्कान, तू चिंता मत कर, रौनक जी तेरे साथ है ना, वो आरती दीदी को ढूंढने में तेरी मदद करेंगे। अभी दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो आंसू पोछो, क्यों किसी और को खून के आंसू पिलाने का टाइम आ गया है। क्या हुआ, इतने सीरियस आओ मत, मूड को लाइट करो, क्योंकि हम कुछ लाइट करने वाले जो सिंह आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ये क्या, अभी तक आपने पूरा जूस खत्म भी नहीं किया। चलिए पीजिए, मैं नहीं चाहती फिर से आपको कोई दौरे वौरे पड़े। चलिए, आपको मेरी कसम। गायत्री, दो घूंट, बस दो घूंट। इससे ज्यादा नहीं पी पाऊंगा गायत्री, अब आपको आगे कसम मत देना प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे घर में बैठे बैठे घुटन सी हो रही होगी ना। चलिए ना कहीं बाहर घूम आते हैं। रौनक बता रहा था कि पास में एक होटल है, वहाँ पे वो पूल के साइड में वो टी पार्टी होती है ना, वो है। चलिए वहीं चलते हैं सब, आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं गायत्री, बस कमरे में थोड़ा अकेले रहने का, आराम करने का दिल कर रहा है, यहीं ठीक है। और वैसे भी घर में मेहमान आए हुए हैं तो क्या क्या लोगों को बताते फिरेंगे। कौन वो जया और उसकी बेटी के बारे में? अरे
वो लोग कहाँ आएंगे हमारे साथ? वो बच्ची गई है स्कूल, जया उसे लेने जाएगी, फिर घर आके होमवर्क वोमवर्क कराएगी, वो लोग घर ही में रहेंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो रहने देते हैं। गायत्री, मतलब मेरे मन की छोड़ो गायत्री, मैं जब आपका चेहरा देखता हूँ ऐसे तो हर चीज तो आपके हिसाब से। देखिए मैं चलूंगा, और मैं तो कहता हूँ कि शाम का डिनर भी कर लेते हैं, और आसपास में कोई अच्छा सिनेमा हो, फिल्म हो तो फिल्म देख लेंगे। अब तैयार हो जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाहर ही रहूंगा, और रात को इतना लेट आऊंगा कि तब तक शालू सो गई होगी। और कुछ चाहिए आपको? गायत्री, आपके रहते हुए मुझे कुछ चीज की तकलीफ हो सकती है? वो हॉस्पिटल में रह के ना गायत्री, टेंशन सी हो गई, वो थकान हो गई, अब मैं अकेले में बैठ के ना थोड़ा टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, सांस लेना चाहता हूँ। आप आराम से अकेले यहाँ पे बैठिए, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं वहां बैठी हूँ, हम सब वहीं हैं। भाभी, भैया कितने खुश लग रहे हैं ना एकांत में राम जी की कृपा से। हाँ, इसीलिए थोड़े टाइम उन्हें अकेले ही रहने देते हैं, हम लोग यही बैठे रहे। ठीक है। क्या बात है, ये लोग भी आ गए, अब तो टी पार्टी में डबल मजा आएगा, है ना? क्यों शालू? ठीक है, बड़ों को ये टी एंजॉय करने दो, हम छोटे जाके बहुत सारी कुकीज और मफिन खाते हैं। ठीक है, अब बैठे बैठे बैठे। वैसे सिंह साहब नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो रे कहाँ? अरे अभी भी यही तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं नहीं, बैठे बैठे हम देखते हैं ना, ऐसे थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, अच्छा लगे। चलो साथ में थोड़ा गप्पे लेते हैं।
क्या कर रहा है? ये वो मोबाइल मोबाइल गिर गया था ना, वो मैं लेने आया था बिटुआ, मोबाइल गिर गया था नीचे। मोबाइल गिर गया था? हाँ, जैसे ठीक आपकी नियत गिरी थी वैसे ही आपका मोबाइल गिर गया। ये टेबल के नीचे छिपना, शॉल से मुंह ढकना, शोभा नहीं देता आपको। कब तक करेंगे ये सब कुछ? हाँ, अभी भी कह रहे हैं माँ बैठी है, जाके माँ को सब कुछ बता दीजिए, वरना सिंह साहब आपकी नाक में दम कर देंगे, हम जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। फिर ये जो पसीना जो है ना, बहुत टपकेगा। संभालो, हम यहां संभालते हैं। मासी, मैं नोटिस कर रही थी कि शालू कुछ उदास लग रही है। क्या बात है, उसे यहाँ पसंद नहीं आ रहा? नहीं मुसू, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि क्लास में फर्स्ट आने के लिए कल उसे स्कूल में प्राइज दिया जा रहा है, तो ये देखने के लिए उसके पापा तो रहेंगे नहीं वहाँ, इसी कारण से दुखी है बेचारी। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी भलाई तो उसके पापा के साए से भी दूर रहने में है। आप चिंता मत कीजिए, माँ को जाकर बताते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल पति के बारे में, उनके पास जरूर कुछ सोल्यूशन होगा। सुन चलिए, अच्छा हुआ कि आप रौनक जी को रास्ते में मिल गई और आप उनके साथ यहाँ आ गई। अब आप बैठिए, बस आप सबके साथ मजे कीजिए और भूल जाइए अपने उस गैर जिम्मेदार पति को, जिसको अपनी बच्ची तक की भी नहीं पड़ी है। अब क्या कर दिया इसके गैर जिम्मेदार पति ने, बताना तो। देखिए ना माँ, अपनी ही बच्ची की खुशी में शामिल होना नहीं चाहते। शालू को फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है स्कूल में, और वो प्राइज दिलवाने के लिए स्कूल ही नहीं जाना चाहते। मुझे तो समझ में नहीं आता माँ, अगर बच्चों की परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो शादी ही क्यों करते हैं? बेचारी बच्ची का हर साल की तरह इस साल भी दिल दुखेगा। देखिए ना माँ कितनी उदास है। इसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना तो बहुत ही गलत बात है। अरे पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा जो है वो एक जगह, लेकिन बच्चों की देख रेख वो तो एक जगह है ना। एक काम करो, मुझे ना फोन लगा के बुझाया, हाँ मैं बात करती हूँ उससे। हाँ माँ, शायद आपके कहने से उनकी अकल ठिकाने आ जाए। आप प्लीज बेझिझक फोन डायल कीजिए, माँ सब संभाल लेगी। ए, क्या हो गया, इतना क्या सोच रही हो? लगा के दो नंबर, या मुझे नंबर दो, मैं लगाती हूँ अपने फोन से। लाओ। नहीं मैं करती हूँ। कैसा बेटा है, एक कप चाय भी आराम से नहीं पीने देता। इसे क्या हो गया? नहीं उठाऊंगा। उठा लीजिए। काट दिया, कोई हिम्मत देखो उसकी। फिर से लगाना, लगाना फिर से। पागल तो नहीं हो गई है? सबके साथ बैठी है, बार बार मुझे फोन करती जा रही है। गायत्री ने अगर नंबर देख लिया तो कयामत आ जाएगी। नहीं उठा रहे, फिर से लगाना। तुम एक काम करो, नंबर मुझे दो, मैं लगाती हूँ अपने फोन से, देखती हूँ कैसे काटता है। नंबर? नहीं नहीं माँ, माँ अननोन नंबर से तो कोई भी फोन उठा लेगा। मुझे लगता है कि इनके नंबर से ही करना चाहिए, जब तक वो ना उठाए हमें फोन करते रहना चाहिए। सही कह रही हो तुम, बस काम ये, तुम फोन लगाओ वापस, देखते हैं। फूल में मुरझाए फूल के बिना क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अच्छा ये सब बातें छोड़िए, दोनों बाप बेटा हैंड इन हैंड है? चलते हैं पूल के पास वॉकिंग के लिए, शॉकिंग वाला मजा आएगा, मतलब रॉकिंग वाला मजा आएगा। चलिए आइए चलते हैं।
वाइब्स। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। तुम्हारी बीवी बार बार तुम्हें फोन कर रही है, तुमसे ये नहीं हो रहा है कि फोन का जवाब दे दो? खैर, तुम जैसे इंसान से मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो कान खोल के सुनो। तुम्हारी बीवी तुम्हें इसलिए फोन कर रही थी क्योंकि तुम्हारी बच्ची के स्कूल के फंक्शन में कल उसे प्राइज मिलने वाला। अरे तुम दोनों का झगड़ा एक तरफ, अपनी बच्ची का तो ध्यान रख सकते हो? कितने गैर जिम्मेदार इंसान हो तुम। और अगर तुम कल स्कूल के फंक्शन में नहीं गए तो जहाँ कहीं भी हो गए, मैं और मेरे पति तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें वहां से ले जाएंगे। बीवी को अपना नहीं पा रहे हो, शर्म करो। बच्ची तो तुम्हारी है, कम से कम उसका तो सोचो। कितना बदतमीज है, ना फोन का जवाब दे रहा है ना ठीक से बात कर रहा है। आंटी, अंकल कहाँ है? मैं और डॉली दीदी उनके लिए अदरक वाली चाय लाए। डॉली दीदी ने कहा है कि उनको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। बताइए ना अंकल कहाँ है? वो रहे अंकल, वहाँ जाओ।